अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, 28 मई 2020 दिन है आज जुमेरात का। ईद की छुट्टियों के बाद आज मार्केट का आज पहला दिन था इस वीक का। बहुत शॉर्ट वीक है, सिर्फ दो दिन का है, आज का और कल का। तो देखेंगे कि मार्केट ने आज इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म किया, सेक्टर ओवरव्यू देखेंगे, कौन से सेक्टर आज बुलिश रहे, कौन से बेरिश गए, मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप वॉल्यूम लीडर्स, टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स, जिनपे वॉल्यूम जो है वो 50,000 से ज़्यादा का होगा। मार्केट डेटा में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में देखेंगे, लोकल्स और फॉरनर्स की बैंक एंड सेलिंग को, आज के रिजल्ट्स पे बात करेंगे, कल आने वाले इवेंट्स जो हैं, बोर्ड मीटिंग्स, बोनसेस और डिविडेंड्स वगैरह अगर हैं तो उसको एक नज़र देखेंगे, और एंड पे जो है वो टेक्निकल चार्ट्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, थैंक यू। KSE 100 इंडेक्स में जो है आज डाउन का ट्रेंड रहा है, आज थ्रू आउट जो है वो नेगेटिव सेशन एक रहा है, 141 पॉइंट्स की कमी हुई है आज, 0.42% की कमी के साथ 33,695 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। अपना जो ओपनिंग दी थी इंडेक्स ने वो 33,822 के लेवल पे दी थी, और उसके बाद जो है ना सिर्फ 4 पॉइंट्स का इसने हाई लगाया था, 33,836 का हाई लगाने के बाद जो है ना वो थ्रू आउट डाउन ही गई है। अपना जो इसने लो पोस्ट किया है वो 33,598 का लेवल था, 238 पॉइंट जो है ना वो आज डाउन गए थे इंट्राडे में, लेकिन फिर रिकवरी थोड़ी सी देखी गई है और एंड पे जो है वो 141 पॉइंट्स की सिर्फ जो है ना वो डिक्लाइन देखा गया। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो 146 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है, जो ओवरऑल 5 डे की जो एवरेज है 132 मिलियन शेयर्स उसके मुकाबले में ज़्यादा है, 146 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लास्ट 2 डेज से भी जो है ना आज का वॉल्यूम ज़्यादा लगा है। पी रेशो की बात करें तो 8.8 पे आ गई है, जबकि डिविडेंड रेशो 5.7। आज टोटल 42 स्क्रिप्ट जो है वो अप गए हैं KSE 100 के, जबकि 48 स्क्रिप्ट में गिरावट देखी गई है, 10 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज रहे हैं, उनकी वैल्यू में कोई इजाफा या कमी नहीं हुई। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडेक्स को जो ड्रैग किया है वो कमर्शियल बैंक सेक्टर ने किया है, तकरीबन 80 पॉइंट्स इंडेक्स से निकाले हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर दूसरे नंबर पे है, 60 पॉइंट निकाले हैं। फर्टिलाइजर ने भी 24 पॉइंट इंडेक्स से निकाले हैं। केमिकल सेक्टर की तरफ से 17, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर ने भी 15, जबकि इंश्योरेंस ने 10 पॉइंट्स इंडेक्स से निकाले हैं। फ्लिप साइड पे देखें तो सबसे ज़्यादा आज जो है वो कंट्रीब्यूशन दी है पॉजिटिव साइड पे, वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने दी है तकरीबन 39 पॉइंट की। टेक्नोलॉजी दूसरे नंबर पर रहा है 21 पॉइंट के साथ। ऑटोमोबाइल असेंबलर भी जो है वो आज 6 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर रहा है। अगर कंपनीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा सरले जो है वो आज लाइमलाइट में रहा है, 25 पॉइंट इंडेक्स में ऐड किए हैं, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था। जो कल पिछले 2 दिन से जो न्यूज़ चल रही है सोशल मीडिया पे कि कोई बहुत बड़ी बिग न्यूज़ आने वाली है, उस वजह से आज ये ओपन भी जो है अपने अपर लॉक पे हुआ था, तो काफ़ी अच्छा इसने जो है ना वो वॉल्यूम लगाया, जनरेट हुआ है इसमें। TRG ने भी जो है वो इंडेक्स में आज 20 पॉइंट ऐड किए, ग्लैक्सो की तरफ से 13, माड़ी पेट्रोलियम ने भी 9, जबकि कैपो की तरफ से 6 पॉइंट ऐड किए। फ्लिप साइड पे OGDCL सबसे ज़्यादा इंडेक्स को ट्रैक करने में कामयाब रहा है, OGDCL ने 28 पॉइंट इंडेक्स से निकाले, UPL ने भी 28, PPL ने 27, जबकि HBL की तरफ से 25 पॉइंट निकले हैं। हबको ने 18 पॉइंट, जबकि एंग्रो फर्टिलाइजर की तरफ से 16 और एंग्रो कॉरपोरेशन की तरफ से भी 16 पॉइंट इंडेक्स से निकले हैं। टॉप सेक्टर की अगर बात करें तो आज वनस्पति एंड अलाइट इंडस्ट्रीज का जो सेक्टर है वो ओवरऑल 7.04% का इसमें इजाफा देखा गया। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में भी 3.38% का इजाफा हुआ है, लीजिंग कंपनीज में 3.14% का, टेक्सटाइल स्पिनिंग में 2.59%, फार्मास्यूटिकल्स में 2.31%, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज में 1.35%, जबकि केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स में 0.71% का जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फ्लिप साइड पे देखें तो सबसे ज़्यादा ड्रैग जो है ना जो कम बेरिश सेक्टर रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ओवरऑल 2.18% आज डाउन गया है। शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज का जो सेक्टर है वो 2.11% डाउन गया है। लेदर्स का सेक्टर भी 2.10%, केमिकल में भी आज डिक्लाइन देखा गया 1.80% का। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो है 1.29% डाउन गई है। इंश्योरेंस 0.82%, कमर्शियल बैंक्स जो है 0.79%, जबकि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी 0.73% का ओवरऑल डिक्लाइन देखा गया है। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में 73 पॉइंट का डिक्लाइन देखा गया है, 0.30% कमी के साथ 24,306 के लेवल पर इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, और वॉल्यूम जो है वो 194 मिलियन शेयर्स का टोटल वॉल्यूम लगा है।
KSE 30 की इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 99 पॉइंट्स की कमी वाक़ हुई है, 0.67% डिक्लाइन के साथ 14,648 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, और वॉल्यूम जो है वो 75 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल इसमें वॉल्यूम लगा है। मीज़ान का अगर 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 315 पॉइंट्स की कमी हुई है, 0.57% की कमी के साथ 54,785 के लेवल पर इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, और इसमें भी ओवरऑल 75 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। अगर मीज़ान के आल शेयर इंडेक्स की बात करें तो उसमें सिर्फ 56 पॉइंट की कमी हुई है, 0.33% कमी के साथ 16,833 के लेवल पर इसने क्लोजिंग दी है, 123 मिलियन शेयर्स का इसमें टोटल वॉल्यूम लगा है। ETF में UBL का है, उसमें भी आज 111 पॉइंट्स की कमी देखी गई है, 1.11% की कमी के साथ 9,905 के लेवल पर इसने क्लोजिंग दी है, 8 मिलियन शेयर्स का टोटल इसमें वॉल्यूम लगा है। NIT का जो ETF है उसमें भी 88 पॉइंट की कमी हुई है, 1.14% कमी के साथ 7,654 के लेवल पर इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, 9 मिलियन शेयर्स का टोटल इसमें वॉल्यूम भी लगा है। तो मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारे जो टॉप वॉल्यूम लीडर्स हैं टॉप 10 वो कौन कौन से स्क्रिप्ट रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आज टॉप पे TRG पाकिस्तान रहा है, 24.75 मिलियन शेयर्स का इस पर आज वॉल्यूम लगा है, और ये अपने अपर लॉक पे क्लोज हुआ है, 7.50% का इसमें इजाफा भी हुआ है। हैस्कोल पेट्रोलियम दूसरे नंबर पर रहा है 24 मिलियन शेयर्स के साथ, और 1.59% इसमें इजाफा देखा गया है। यूनिटी फूड में भी 21.17 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, और ये 8.14% का इसमें इजाफा हुआ है। पाक इलेक्ट्रॉन में भी आज 11.38 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है, और 2.74% का इसमें इजाफा हुआ है। मैपल लीफ सीमेंट में 10 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है, 1.18% का इसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। FFL में भी 8 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है, 7.39% ये अप भी गया है। Avian जो है उसमें भी 4.71 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, और 7.48% का इसमें इजाफा हुआ है। सरले पाकिस्तान में 4.71 मिलियन शेयर्स के साथ 6.38% ये अप भी गया है। के इलेक्ट्रिक में 3.47 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, और ये आज डाउन गया है 1.61%। एंग्रो फर्टिलाइजर भी 1.97% डाउन गया है, जबकि 3.41 मिलियन वॉल्यूम के साथ ये भी टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट में है। अगर गेनर्स की बात करें तो गेनर्स में जो है वो क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड आज टॉप पे है, 9.68% का इसमें इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। हम नेटवर्क दूसरे नंबर पे है 9.43% के साथ। यूनिटी फूड में 8.14% का इजाफा हुआ है। FDIBL में 8.11% का, TRG पाकिस्तान में 7.50, रोशन पैकेजेस और FNEL में भी 7.50% का इजाफा हुआ है। नेटसोल एंड IGIL में 7.49% का इजाफा हुआ है, जबकि AVN में भी 7.48% का इजाफा हुआ है। वॉल्यूम्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो गेनर्स हैं उनमें TRG में लगे हैं 24.75 मिलियन शेयर्स के, जबकि दूसरे नंबर पर यूनिटी फूड रहा है जिसमें 21.17 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। टॉप 10 लूजर्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वही दीवान स्पिनिंग मिल जो है वो आज डाउन गई है 13.82% का। फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी कंपनी भी आज 7.26% डाउन की है। हिरात टेक्सटाइल जो है 6.81% डाउन की है। PIA 6.52%। मैकपैक फिल्म लिमिटेड में 5.97% का डिक्लाइन देखा गया। JS बैंक में जो है वो 3.85% का डिक्लाइन हुआ है। IGIHL में भी 3.65%, BGL में 3.62%, FCEPL में 3.32%, जबकि WTL में 3.30% का डिक्लाइन देखा गया है। वॉल्यूम की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो लूजर्स में से WTL में लगे हैं 3.37 मिलियन, जबकि दूसरी पे मैकपैक फिल्म्स लिमिटेड है जिसमें 2.18 मिलियन का वॉल्यूम लगे हैं। ये मूवर्स से आगे जो इवेंट्स आने वाले हैं कल की मीटिंग में वो हुसैन शुगर मिल्स लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट है, कल 10 बजे इनकी जो है वो मीटिंग होगी। डाटा एग्रो लिमिटेड का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है, 29 मई को 10:30 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी। अल नूर शुगर मिल्स लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट है, कल 11 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी। प्रीमियर इंश्योरेंस लिमिटेड का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, कल सुबह 11 बजे इनकी भी बोर्ड मीटिंग है। शकरगंज लिमिटेड जो है SML इसका भी हाफ ईयर का रिजल्ट है, और 11:15 बजे इनकी मीटिंग स्टार्ट होगी। फारान शुगर मिल्स लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट है, 11:30 बजे सुबह इनकी मीटिंग स्टार्ट होगी। जोराबाद शुगर मिल्स लिमिटेड का भी जो है वो हाफ ईयर का रिजल्ट है, कल सुबह 11:30 बजे इनकी जो है वो बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होनी है। पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, 12:00 बजे इनकी मीटिंग स्टार्ट होगी।
जिसमें रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। सिंधाबाद शुगर्स मिल्स लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट है, दोपहर 2 बजे इनकी जो है वो मीटिंग स्टार्ट होगी। सोहेल जूट मिल्स लिमिटेड का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है, कल सुबह 3 बजे इनकी मीटिंग स्टार्ट होगी। पे आउट की बात करें तो एटलस इंश्योरेंस लिमिटेड का जो है वो 10% का बोनस अवेलेबल है, इसकी एक्स डेट जो है वो 2 जून है, 4 जून से 11 जून तक इसकी जो है वो बुक क्लोजर्स की डेट्स आ रही है, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है, तो ये पे आउट जो है ना आप अवेल कर सकते हैं, 2 जून तक आप इसको बाय या सेल कर सकते हैं। टुडे रिजल्ट्स की अगर बात करें तो आज भी काफ़ी रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट यहाँ बता दें तो बाकी अगर आपने कंप्लीट देखने हैं तो नीचे लिंक्स अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। शामराज शुगर मिल्स का हाफ ईयर का रिजल्ट था आज, और हाफ ईयर में इनका बहुत ख़राब रिजल्ट आया है, लॉस रिपोर्ट किया है, 2.80 रुपये का लॉस रिपोर्ट किया है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी 7.56 रुपये की अर्निंग आई थी। इस तरह ओवरऑल इनका जो हाफ ईयर का अर्निंग बनती है वो 11.76 रुपये की बनती है इस हाफ ईयर में, जबकि पिछले साल के साथ अगर कंपेयर करें तो पिछले साल इसकी 26.10 रुपये की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। अगला जो एवीएन था टेक्नोलॉजी सेक्टर में, उसका भी आज फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था और बड़ा बेहतरीन किस्म का इनका रिजल्ट आया है। फर्स्ट क्वार्टर में 1.47 रुपये की अर्निंग आई है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 0.44 रुपये की अर्निंग आई थी, तो काफ़ी अच्छी अर्निंग आई है, काफ़ी अच्छी इम्प्रूव अर्निंग इन्होंने शो की है, अपने फर्स्ट क्वार्टर का आगाज़ बड़ा शानदार किया है। पे आउट जो है वो इन्होंने कोई नहीं दिया। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो है आज फॉरनर्स आज भी नेट सेलिंग पे थे, 2.90 मिलियन US डॉलर की इन्होंने नेट सेलिंग की है। ग्रॉस बाइंग जो आज हुई है 5.46 मिलियन की, जबकि ग्रॉस सेलिंग हुई है 8.36 मिलियन US डॉलर की, जो कि नेट सेलिंग बनती है 2.90 मिलियन US डॉलर की। फॉरेन कॉरपोरेट जो है वो 2.07 मिलियन की उन्होंने ग्रॉस बाइंग की है, जबकि 5.11% की इन्होंने ग्रॉस सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 3.04 मिलियन US डॉलर की। ओवरसीज पाकिस्तानी ने 3.39 मिलियन की बाइंग की है, जबकि 3.24 मिलियन की ग्रॉस सेलिंग की है, जो कि नेट बाइंग बनती है 0.15 मिलियन US डॉलर की। लोकल्स की बात करें तो इंडिविजुअल्स आज के टॉप बायर थे लोकल्स की तरफ से, 7.145 मिलियन US डॉलर की इन्होंने बाइंग की है। दूसरे नंबर पे ब्रोकर्स थे जिन्होंने 0.40 मिलियन की बाइंग की है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी 0.14 मिलियन की बाइंग की है, जबकि NBFC की तरफ से भी 0.01 मिलियन की बाइंग देखी गई है। सेलिंग साइड पे आज सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है म्यूचुअल फंड की तरफ से की गई है, लोकल्स की तरफ से 1.63 मिलियन US डॉलर की इन्होंने नेट सेलिंग की है, जबकि कंपनीज की तरफ से भी 1.56 मिलियन US डॉलर की सेलिंग हुई है। इंश्योरेंस कंपनीज भी आज सेलिंग साइड पे थी 1.18 मिलियन US डॉलर के साथ, बैंक्स अब्लिक DFI की तरफ से भी 0.42 मिलियन US डॉलर की सेलिंग हुई है। फॉरनर्स को चेक कर लेते हैं कि फॉरनर्स ने जो है वो किन सेक्टर्स में सेलिंग आज ज़्यादा की है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं फॉरनर्स ने जो सबसे ज़्यादा सेलिंग की है वो आज फर्टिलाइजर सेक्टर में की है, 1.03 मिलियन US डॉलर की इन्होंने नेट सेलिंग की है। दूसरे नंबर पे टेक्सटाइल सेक्टर रहा है 0.62 मिलियन के साथ, टेक्निकल सेक्टर में भी 0.48 मिलियन की सेलिंग की है, अदर्स में भी 0.05 मिलियन की, OMC में 0.08 मिलियन की, बैंक्स में 0.34 मिलियन, जबकि सीमेंट्स में भी 0.37 मिलियन की सेलिंग हुई है। लोकल अपना बाइंग की बात करें तो ENP सेक्टर में उन्होंने थोड़ी सी बाइंग की है 0.17 मिलियन शेयर्स US डॉलर की। तो फॉरनर्स जो हैं वो आज टेक्निकल टेक्सटाइल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में नेट सेलिंग पे थे, जबकि ENP सेक्टर में उन्होंने थोड़ी सी बाइंग शो की है। इंडिविजुअल जो हैं वो लोकल की तरफ से आज के टॉप बायर में से थे, 7.15 मिलियन US डॉलर की उन्होंने नेट बाइंग की है। तो इंडिविजुअल को चेक कर लेते हैं, इंडिविजुअल ने सबसे ज़्यादा बाइंग जो है वो अदर सेक्टर में की है, 2.44 मिलियन US डॉलर की बाइंग हुई है। दूसरे नंबर पे सीमेंट सेक्टर रहा है 1.06 मिलियन शेयर्स के साथ, टेक्निकल सेक्टर में भी 0.88 मिलियन की बाइंग है, और टेक्सटाइल में 0.67 मिलियन US डॉलर की बाइंग है, पावर में 0.15, जबकि OMC में 0.57 मिलियन की बाइंग है, फर्टिलाइजर में भी 0.70 मिलियन, जबकि बैंक्स में 0.35 मिलियन US डॉलर की इन्होंने बाइंग की है। सेलिंग जो है वो आज ENP सेक्टर में देखी गई है इंडिविजुअल की तरफ से 0.34 मिलियन US डॉलर की। तो सीमेंट्स, टेक और अदर सेक्टर में जो है इन्होंने आज इंडिविजुअल ने सबसे ज़्यादा आज बाइंग की है। जो आज के सेलर ब्रोकर्स थे वो भी 0.40 मिलियन के साथ दूसरे नंबर पे रहे हैं इंडिविजुअल की तरफ से। तो ब्रोकर्स थे जो है वो सबसे ज़्यादा जो बाइंग की है
वो तकरीबन की है आपकी जो ये सीवेट सेक्टर है उसमें 0.16 मिलियन US डॉलर की उन्होंने बाइंग की है। उसके बाद बैंक्स में 0.13 मिलियन की बाइंग है, ENP में 0.06, OMC में 0.03, पावर में 0.08, जबकि फर्टिलाइजर सेक्टर में 0.01 मिलियन की बाइंग है। सेलिंग इन्होंने टेक्निकल सेक्टर में 0.01 मिलियन की, जबकि टेक्सटाइल एंड अदर सेक्टर में 0.03 मिलियन की सेलिंग हुई है ब्रोकर्स की तरफ से। तो ब्रोकर्स जो है वो सीमेंट्स एंड बैंक्स में आज बैंक साइड पे थे और टेक्सटाइल एंड अदर्स में उनकी तरफ से आज सेलिंग देखी गई है। म्यूचुअल फंड जो है वो आज के नेट सेलर में से टॉप पे रहा है, 1.63 मिलियन US डॉलर की ओवरऑल सेलिंग देखी गई है म्यूचुअल फंड की तरफ से। तो म्यूचुअल फंड ने जो सबसे ज़्यादा सेलिंग की है वो आज अदर सेक्टर में ही की है, 0.63 मिलियन US डॉलर की उनकी तरफ से सेलिंग आई है। दूसरे नंबर पे बैंक्स रहे हैं 0.38 मिलियन US डॉलर के साथ, सीमेंट्स में भी 0.18 मिलियन की सेलिंग की है, ENP सेक्टर में 0.33 मिलियन, OMC में 0.07, पावर में 0.04, टेक में 0.01, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर में भी 0.04 मिलियन की सेलिंग की है। फर्टिलाइजर में थोड़ी सी उन्होंने बाइंग की है 0.05 मिलियन की। म्यूचुअल फंड ने जो है वो बैंक्स, ENSP एंड अदर सेक्टर में आज सेलिंग साइड पे थे, जबकि फर्टिलाइजर सेक्टर में उन्होंने थोड़ी सी बाइंग की है। कंपनीज भी जो है 1.56 मिलियन US डॉलर की नेट सेलिंग के साथ दूसरे नंबर पे हैं लोकल्स की तरफ से। तो कंपनीज भी चेक कर लेते हैं, कंपनीज ने सबसे ज़्यादा सेलिंग सीमेंट सेक्टर में की है, 1.22 मिलियन US डॉलर की आज सेलिंग हुई है सीमेंट्स में, ENP में 0.17 मिलियन, OMC में 0.048, जबकि अदर्स में 0.01 मिलियन की सेलिंग है। बाइंग की बात करें तो बैंक्स में 0.22 मिलियन की बाइंग की है, फर्टिलाइजर में 0.02 और टेक्निकल सेक्टर में 0.09 मिलियन की बाइंग हुई है। कंपनीज ने जो है वो सीमेंट्स एंड OMC में आज माल बेचा है, जबकि बैंक्स और टेक्निकल सेक्टर में उनकी तरफ से आज बाइंग देखी गई है। इंश्योरेंस कंपनीज भी जो है वो आज सेलिंग साइड पे थी 1.18 मिलियन US डॉलर की। तो इंश्योरेंस को भी चेक कर लेते हैं कि इंश्योरेंस ने किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेलिंग की है। तो इंश्योरेंस ने भी जो है 1.78 मिलियन की US डॉलर की सेलिंग की है अदर सेक्टर में। उसके बाद ENP सेक्टर में 0.03 मिलियन, जबकि बैंक्स में 0.01 मिलियन की सेलिंग है। बाइंग की बात करें तो सीमेंट्स में 0.40 मिलियन की बाइंग है, फर्टिलाइजर में 0.16 मिलियन, जबकि OMC में 0.04 और टेक्निकल सेक्टर में 0.03 मिलियन की बाइंग है। इंश्योरेंस ने जो है वो सीमेंट्स एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में आज बाइंग की है, जबकि ENP एंड अदर सेक्टर में उनकी तरफ से सेलिंग देखी गई है। ये KC100 का ये डेली का चार्ट है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो एक चैनल था उसको आज लो पे ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाहर जो है कैंडल्स ने आज क्लोजिंग दे दी है। तकरीबन 33,695 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, जो हमारा सपोर्ट है 33,600 की उसके ऊपर ही थोड़ी सी दी है, लेकिन बहुत वीक दिखाई दे रहा है इंडेक्स जो है। और इसकी जो अगली सपोर्ट बनती है वो 33,600 से फिर 33,300 पे एक लेवल है फिबोनाची का, वो उसकी सपोर्ट है, और फिर 32,000 के लेवल जो है वो, बल्कि 33,000 का लेवल जो है वो इसकी सपोर्टिव साइड पे है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो अब जो है पहली रेजिस्टेंस जो है इंडेक्स को वो यही 33,800 की है, उसके बाद 34,200 भी इंडेक्स को दूसरी रेजिस्टेंस है, और 34,500 जो है वो इंडेक्स की तीसरी रेजिस्टेंस है, अगर इंडेक्स ने आगे 35 के बाद 36 का अगर लेवल क्रॉस करना है। तो मूविंग एवरेजेस की बात करें तो आज EMA 10 को भी इंडेक्स ने जो है ना वो ब्रीच करके नीचे की क्लोजिंग दी है। EMA 10 जो है वो 33,765 के लेवल पे है, उसके नीचे क्लोजिंग दी है। EMA 50 के भी जो है वो इंडेक्स ने उसके EMA 50 की भी नीचे क्लोजिंग दे दी है, 33,723 के इसका था लेवल था वो, उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है।